हम हैं राजस्थान के पुष्कर सिटी के अंदर, जहां हम जा रहे हैं कैमल राइड करने, कैमल सफारी, सेंट ड्यून्स सफारी करने। यह पुष्कर सिटी से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जहां पर सफारी में आपको 6 से 7 किलोमीटर कैमल राइड मिलती है, या फिर आप 15 से 20 किलोमीटर जिप्सी या फिर थार राइड कर सकते हैं। देखो भैया, पहले तो आपका मोस्ट वेलकम, आप आए हम रेगिस्तान वाला घुमाते। पुष्कर सैंड ड्यून सफारी में आप अलग अलग तरह से सफारी कर सकते हैं, और आज इनकी जुबानी सुनेंगे कि ये पुष्कर सैंड ड्यून सफारी में क्या क्या करवाते हैं और कहां कहां लेके जाते हैं। आंवले का बगीचा, गुलाब का खेती है, आंवले का बगीचा और गुलाब का खेती आपको रेगिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो ब्रह्मा जी के मंदिर और दरगाह वगैरह, सरोगा लेक वगैरह सारा आदर जाता है वहाँ पर सनसेट को मिलता है। यहाँ पर ऐसा राजस्थानी ड्रेस वगैरह भी मिलता है, राजस्थानी ड्रेस वगैरह पहन के आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। सारा चीज़ रेंट के ऊपर मिलता है, वहाँ पर घोड़े की राइड भी मिलती है, और जो डेजर्ट बाइक होती है ना, 4 पहिए वाली ATV, वो भी वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर आपको देखने के लिए चलाने के लिए मिलेगी रेंट के ऊपर। और वहाँ पर ऐसा राजस्थानी गाना बजाना वगैरह भी होता रहता है, पूरा सारंगी के साथ के अंदर। और बंजारा लोगों की बस्ती होती है, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते इनका सारा एक्सपीरियंस होता है। डेजर्ट में जाने के लिए 5 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट में एक नॉर्मल कैमल कार्ट होती है, इस कैमल कार्ट के अंदर 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। कैमल को ऊपर नहीं बैठ सकते क्योंकि इसके ऊपर लकड़ी का लगा हुआ ना, इसलिए एक ही कैमल पर 2 जने बैठ सकते हो आप। एक ही सिंगल कैमल है, बनाना दौड़ाना वगैरह सारा होता है। एक ये बग्गी टू कैमल और कैमल टू बग्गी, ये थोड़ा अच्छा कुशन वगैरह होता है। कैमल को ऊपर डेकोरेशन होता है, और जो कैमल वाला अरमान आप इसके ऊपर भी पूरा कर सकते हो, ड्राइवर करके। और फिर 5 ऑप्शन होता है ऐसा, ये जीप सफारी का, ये 4x4 होता है, पूरा डीप वगैरह सारा करवा के लेके आती है ऊपर नीचे। और वो पार्ट आ जाता है हमारा नाइट सफारी का, वहाँ पे टेंट होता है, वहाँ पे खाना पीना सोना सारा करवाते हैं। वहाँ पे ये जिप्सी डांस होता है ना, ये अलग से करवाना पड़ता है, और इनकी प्राइस अलग अलग होगी। प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप डायरेक्ट वहीं पे जाकर उनसे संपर्क करिए, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट डील मिलेगी। अगर आप पहले से बुक करके जाएंगे तो मे बी आप घाटे में हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्कर में कैमल सफारी। कुछ बच्चों की हालत देख के मन भारी हो रहा था। राजस्थान, आप भी आइए और आप भी करिए यहाँ पे सफारी पुष्कर राजस्थान में।
कुछ देर के बाद हम सनसेट पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पे थार वहाँ के चक्कर लगा रही थी। यहाँ के सनसेट का नज़ारा आप बहुत ही शांत और स्वच्छ देखेंगे, पूरा रंग दिखेगा आपको सूर्य का नीचे डूबते हुए। कुछ देर बाद वहाँ के लोकल्स वहाँ के वाद्य बजाते हुए आए और मुझे बजाने के लिए कहा, लेकिन मैं बजा नहीं पाया। उसके कुछ देर बाद फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा वापसी की तरफ। नेक्स्ट स्पॉट था हमारा जहाँ पर आंवलों की खेती होती है और फूलों की खेती होती है, जहाँ पर तरह तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में वहाँ पे लोकल्स के पास मैंने बकरी देखी, तो मैंने उनसे पूछा क्या बकरी का दूध मिल सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी ज़रूर। तो उन्होंने दूध मेरे लिए स्पेशली निकाला बकरी का मेरे सामने अपनी ग्लास में और फिर मुझे भेंट के रूप में दिया।
जिसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि ऐसा दूध मैंने कभी नहीं पिया था। तो ये थी मेरी कैमल सफारी इन पुष्कर।